हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बात करने वाला हूँ किस तरीके से आप अपने रियलमी फ़ोन को कनेक्ट कर सकते हैं वी वाईफाई हॉटस्पॉट से। जी हाँ गाइस, आज के वीडियो में बात करने वाला हूँ, या फिर आप अपने जो कि आपका राउटर से भी कनेक्ट कर सकते हैं बहुत ईजी तरीके से। जी हाँ गाइस, आज के वीडियो में यही बात करने वाला हूँ। तो इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का ऑप्शन जरूर दबाइएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बैक टू बैक निक मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको जाना है सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद आपको मैं आपको बता देता हूँ, सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पे वाईफाई का ऑप्शन दिखता है, वाईफाई में क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलता है, तो इसमें एडवांस सेटिंग के बारे में भी जानेंगे, पूरी जानकारी दूंगा मैं आपको। और यहाँ पे आपको सिंपली नेटवर्क सर्च करना है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे और भी सर्च किया हुआ आ रहा है, तो आप रैंडमली किसी पे भी क्लिक कीजिए। क्लिक करके उसका पासवर्ड यहाँ पे डालिए और वो आ जाएगा। तो चलिए जान लेते हैं कि अगर हम दूसरे फ़ोन से कनेक्ट करना होगा तो क्या होगा। दूसरे कनेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे नीचे दिखेगा आपको आपका हॉटस्पॉट, तो आप हॉटस्पॉट पे क्लिक करके यहाँ से हॉटस्पॉट वाला ऑप्शंस को ऑन कर दीजिए। तो यहाँ पे जाइए और ये हॉटस्पॉट आप देख सकते हो, पर्सनल हॉटस्पॉट, इसको ऑन कर देंगे तो आपको जो इस डिवाइस जिस डिवाइस से कनेक्ट करना चाहते हैं उस हॉटस्पॉट का नाम आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे Realme C3 लिखा हुआ है और यहाँ पे पासवर्ड भी लिखा हुआ है। तो इसी तरीके से आप यहाँ से पासवर्ड भी ले सकते हैं और रेंडमली पिक कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पासवर्ड भी लिखा हुआ है, इसका जो हॉटस्पॉट का पासवर्ड है आपको देख सकते हैं यहाँ से। आप चाहे तो आप चेंज भी कर सकते हैं इस पर क्लिक करके। और तो गाइस, कैसा लगा वीडियो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। इसी तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका कोई भी डाउट हो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और एक चीज़ और बता देता हूँ, जैसे कि आप कनेक्ट तो कर ही लेंगे बहुत ही आसानी से एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन से, वहाँ पे आपको ऐसा वाईफाई का ऑप्शंस देखने को मिल जाएगा जैसे आप हॉटस्पॉट ऑन करेंगे। तो आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं ऐसे ही नाम आएगा Realme C3, तो उस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करके आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से एडवांस पे जाके लिमिट भी सेट कर सकते हैं कि कितने लोगों को एक बार में कनेक्ट करना है या नहीं करना है। तो इस पर जा करके आप देख सकते हैं, मैंने जैसे कि अभी कनेक्ट कर रखे वाईफाई से, तो इसी तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे लिमिट भी सेट कर सकते हैं। ये हॉटस्पॉट के अंदर होता है, ये वाईफाई का मैं बता रहा हूँ आपको। तो गाइस, कैसा लगा वीडियो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। इसी तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हैं। एक बार फिर से बता देता हूँ, कनेक्ट करने के लिए आपको इस पर जाना है, बस पासवर्ड डाल देना है और उस पर राइट पे कंटिन्यू पे ज्वाइन पे क्लिक कर देना है, या फिर किसी में यहाँ पे कुछ भी पासवर्ड डालना है और यहाँ पे पासवर्ड का ऑप्शन आ जाता है, तो यहाँ पे ज्वाइन कर दीजिएगा। तो गाइस, कैसा लगा वीडियो प्लीज़ कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।